रोमियों का किताब 11 अध्याय में 17-18 वचनों को पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। तो विश्वास के द्वारा इब्राहिम ने इसहाक को बलि चढ़ाया है। विश्वास क्या क्या करने वाला है? सच्चाई विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए जो भी परमेश्वर बोलेगा उसको ऐसे ही मान लेता है, एक देने वाला विश्वास है। देने के बारे में आज हम थोड़ा मनन करने के लिए हम चाहते हैं। हम इब्राहिम के बारे में हम देख रहे थे विश्वासियों को पिता है, तो उसका विश्वास में हम दो भाग को हम देख सकते हैं। एक है विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस बातों को लंबी समय तक धीरज रहते हुए उसने हासिल कर दिया, वो भी एक विश्वास का एक भाग है, एक साइड है। जैसे सिक्का का दो तरफ होते हैं, दो साइड होते हैं, वैसे ही विश्वास का भी दो साइड है। एक साइड है पाने वाला साइड है, वो भी हमें जरूरी है, वो भी परमेश्वर हमसे चाहते हैं। क्योंकि 11:6 में बोल रहे हैं परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला है। तो पाने के लिए भी एक विश्वास जरूरी है, वो विश्वास के साथ धीरज भी जरूरी है। परमेश्वर का वचन पर पूरा भरोसा करते हुए धीरज के साथ हम बाट जोते रहेंगे, जो बातें परमेश्वर हमें वायदा किया है वो जरूर मिली जाता है। और पाने का पहले काफी सारे विपरीत बातें आई थी, लेकिन वो सब नहीं देखते हुए उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हुए धीरज के साथ रहा और उस बातों को उसने प्राप्त कर लिया। अभी आज वो सिक्के का दूसरे बाजू मतलब देने के बारे में आज हम मनन करने जा रहे हैं। सिक्का का दो बाजू होता है, तो देने के बारे में परमेश्वर के वचन में काफी वचन दिया हुआ है। तो ये जो वचन है इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर को दिया है। और क्या उसने दिया है? बच्चा कुच्चा जो है, हा? जो सब काले बच गया, जो कचरा था फेंकना था, हा? कौन सा चीज को दिया उसने? फर्स्ट को दिया, लास्ट को दिया? वन एंड ओनली फर्स्ट भी लास्ट भी वही है। ऐसा नहीं 15 बच्चा है, एक बच्चा दे दिया अलग बात है, लेकिन एक मात्र बेटा है, वो भी प्यारा है, उसको परमेश्वर के लिए उसने दे दिया है। जरूर इब्राहिम बड़ा धनवान था, सोच के देखे बड़ा धनवान आदमी है, सब कुछ है, अगर एकमात्र बेटा को भी दे देना है, भाई सोचेगा क्या करेंगे, उसको दे दिया, फिर धन दौलत सब इतना मेहनत किए क्या फायदा होगी, सब कुछ क्या होगी, बेटा तो है नहीं, कुछ नहीं, कैसे वारिस बनेगी, क्या होगी, कुछ नहीं सोचा। जब परमेश्वर देने के लिए बोल दिया उसने सब कुछ दे दिया है। क्या देना चाहिए? फर्स्ट, बोले फर्स्ट देना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ, देखो अगर बेटा कोई दे रहा है इसका मतलब वो अपना आपको भी दे रहा है। मतलब ये है, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी आपसे पूछेंगे भाई आपका बेटा को बेटी को बलि चढ़ाओ, नॉर्मली कोई भी पिता क्या बोलेगा, नहीं मेरा बेटी नहीं, चलो मैं मर जाता हूँ, वही सोचेगा ना भाई। भाई वो बहुत मुश्किल है, बेटा को देना अपना आपको देने से भी ज्यादा कसरत चीज है, लेकिन इब्राहिम ने बेटा को दे दिया मतलब अपना आपको भी दे दिया, धन संपत्ति भी दे दिया, पूरा भविष्य को दे दिया, सब पूरे प्रभु के हाथों में कतरा में डाल दिया है।
तो परमेश्वर को क्या चाहिए? फर्स्ट चाहिए, बेस्ट चाहिए, ऑल चाहिए, बोले ऑल चाहिए। क्या परमेश्वर सब ले लेंगे ब्रदर जी? सब चुरा लेंगे, सब मांग रहे हैं। तो एक प्रभु के दास काफी साल पहले चीन देश में रहता था। अभी चीन देश के लिए ज्यादा हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि चीन देश के अंदर काफी सारे प्रभु के बच्चे लोग काफी सारे सालों से तकलीफ उठा रहे थे, सतावनी हो रहे थे। अभी तो ये बीमारी से तो 500 लोग मर गए, लेकिन वो सतावनी से करीबन 10 साल से हजारों के ऊपर लोग मर गए होंगे। किसी को मालूम नहीं, कोई पेपर में नहीं आता, किसी को पता नहीं, लेकिन ये सतावनी चुपके से उस देश के अंदर हो रहा है। अभी थोड़ा समय के पहले एक बड़ा पासवान, मतलब काफी सारे चर्चेस का लीडर है, उसको भी 10 साल जेल में डाल दिए, 3-4 महीने के पहले की बात है। देखो, चीन देश के विश्वासी लोग, वहां के पासवान लोग, वहां की सेवक लोगों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जरूर सुबह भी लेडीज प्रेयर में आप लोग प्रार्थना किए होंगे। ये वायरस हर देश में फैल रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे देश को बचाना चाहिए, बाकी सारे देशों को भी बचाना चाहिए। तो अब ये सारे एक की चीजों को बताता है कि यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है, क्योंकि मत्ती का 23:24 में सारे जो लिखे हुए, ऐसे बीमारियां आएंगे, लड़ाई की खबर सुनेंगे, आपसी के बैर भाव बढ़ेगा, प्रभु के बच्चों की सतावनी होगी, भूकंप होगी, ये होगी, ये होगी, ये सारे चीज इन दिनों में होते हुए हम देख रहे हैं। तो चीन देश के प्रभु के दास वॉचमैन नी प्रभु के लिए पूरा पूरा समर्पित एक व्यक्ति था। काफी साल प्रभु के लिए जेल में भी, करीबन 20 साल वो जेल में रहता था, लेकिन प्रभु के लिए बहुत समर्पित एक प्रभु का दास था। वो एक बात उसने अपने किताब में लिखा था, मैं काफी साल पहले मैंने पढ़ा था। वो कहता था, हम लोग जब तक सब कुछ प्रभु के वेदी में हम नहीं डालते हैं, हमने अभी तक प्रभु को बराबर हम नहीं समझा है। क्या बोला मैंने? जब तक 100% वेदी पर नहीं डाले आपको, मतलब आप अभी तक प्रभु को बराबर समझा नहीं है। देखो, लोग डरते हैं, मैं प्रभु को दे दूंगा फिर मैं क्या करूंगा। वो कहते हैं, आप सब वेदी पर दे दो, आपको, आपके बच्चों को, आपके धन संपत्ति को, आपके नौकरी को, आपके जो कुछ भी है, सब कुछ वेदी पर रख दो, फ्रीली उसको दे दो, पूरा मन से दे दो, तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? उसको ऊपर अपना छाप लगाएगा। क्या छाप रहेगा? प्रभु के लिए पवित्र है, सब उस पर वो छाप लग जाएगा। बाद में उसका जिम्मेदारी पूरा परमेश्वर रहेगा। तो इसहाक को क्यों दिया मालूम है? क्योंकि जिम्मेदारी प्रभु का है। प्रभु ने तो बताया था उसके द्वारा काफी सारे संतान बनेंगे, काफी सारे संतान बनेंगे, उनके द्वारा पृथ्वी के सब लोग आशीष पाएंगे। अगर भाई अभी मांग रहे हैं, मैं दे दूंगा, वो जिम्मेदारी उसका रहेगा। अगर उससे कराना होगा, उसका वापस जिंदा भी कर देंगे, उसको जो करना वो करेगा। सब देना मतलब यही है। ऐसा नहीं प्रभु आपके पैसे के पीछे लालच है, आपके सोना चांदी को मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको सब कुछ आपके हाथों में देना उनके हाथों में देना चाहते हैं, ताकि सब चीज को वो पवित्र करेगा, उसके ऊपर अपना छाप लगवाएगा। बाद में ऐसा है, मैं लिख रहे हैं, जो भी पवित्र चीज है उसके ऊपर प्रभु का सुरक्षा रहेगा, परमेश्वर का जिम्मेदारी रहेगा। प्रभु को देने के लिए लोग डरते हैं, सोच रहे हैं प्रभु धोखा देगा क्या, क्यों उनको चाहिए। देखो, वो दास बोलते 100% आप दे दोगे, परमेश्वर पवित्र करके वापस आपको दे देगा, आशीष करके देगा। देने का जो चीज है, इसके लिए अभी जिंदगी भर आपको सीखना पड़ेगा क्या क्या देना चाहिए। ठीक है, सब कुछ में आप क्या क्या देने वाले हो? पहला भाग दे देंगे, ठीक है, बेस्ट दे देंगे, वेरी गुड, जीवन दे देंगे, ठीक है, समय दे सकते हैं, समर्पण करना है,
हमारा खूबियत दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते, कोई पैसा बोला नहीं। पैसा थोड़ा प्यारा है क्या? हाँ, पैसा चाहिए प्रभु चाहिए, पैसा ले लेंगे प्रभु जी, पैसा लेंगे वापस भी लेंगे। तो दिया तो वही है, 100% उसने दिया, उसे हम दे रहे हैं, उससे लेके उसको ही दे रहे हैं, वो हमें वापस भी दे रहा है। तो परमेश्वर को देने में एक विश्वास काम करता है और वो देने के लिए सीखना पड़ता है। तो केवल पैसा ही नहीं है, हमारा समय देना है, हमारा खूबियत देना है, और लिख रहा है बाइबल में जवानीपन को देना है। ऐसा नहीं बुढ़ापन हो जाएगा उसके बाद आके आता हूँ मैं तेरे पास, 60-70 उम्र के बाद आता हूँ तेरे सेवा में, बोलेंगे ठीक है बेटा बैठो। कब देना है? जवानीपन को परमेश्वर के लिए देना है, समय देना है, कुबियत देना है, पैसा देना है, सब कुछ देना है। मतलब काफी चीज आएगा इसमें, पहला स्थान देना है, प्रथम स्थान देना है, उत्तम चीज देना है, परमेश्वर के देने के लिए सीखना है। देने के विषय में हम लोग एग्जाम्पल्स को बाइबल में काफी सारे एग्जाम्पल्स को हम देख सकते हैं। देने में उस्ताद कोई लेडी मालूम है आपको, विधवा बहन, और कोई लेडीज का बात करो, लेडीज लोग बताओ। देखो हन्ना को बच्चा नहीं हो रहा था, काफी साल के बाद बच्चा मिल गया है, वो भी लड़का मिल गया है। उसके बाद बच्चे मिलेगा नहीं मिलेगा कोई मालूम नहीं है, लेकिन ये बच्चे जन्म होने से पहले उसने परमेश्वर से वायदा किया था, जो आप मेरे को लड़का दोगे वो आपके लिए रहेगा, जिंदगी भर आपके लिए रहेगा। तो लड़का का उम्र कितना रहा होगा? इतना छोटा लड़का को लेकर के वहां पर दे दिया, दो तीन वर्ष का होगा, उसको जाकर के एली के पास दे दिया है। तो लोग ऐसे ही छोटा मोटा करते हैं, देने का मन होना चाहिए। परमेश्वर अगर मांगते हैं हम देने के लिए, हमारा दिल खुश होना चाहिए। देखो ऐसा देने में आपका उसमें क्या होता है मालूम है? अगर आपके पास रहता तो क्या होता? वो चीज आपके पास ही रहेगा तो क्या होगा? केवल आपका आशीष रहेगा। अगर हन्ना अगर शमूएल को प्रभु को नहीं दिया होता, घर पे रहा, अच्छा लड़का है, घर पे रहा होगा, मम्मी को मदद किया होगा, बहुत आशीष दिया होगा, कोई मतलब फर्क नहीं है, जरूर वो घर के लिए केवल आशीष का कारण रहा होगा। लेकिन जब देने से क्या हुआ है, पूरा देश के लिए आशीष के कारण बन गया है, जरूर उनको भी आशीष उसके द्वारा मिल गया है। तो देखो अपना पन में हम रहेंगे, देने का मन नहीं लगेगा, हम ऊंचे विचार से स्वर्गीय नजरों से देखने लगेंगे। परमेश्वर एक एक बच्चे के लिए योजना रखे हैं, बातें रखे हैं, सोचेंगे हम देने के लिए, हम डरेंगे नहीं है। और देने के लिए और कौन एग्जाम्पल था? दाऊद ने मंदिर के लिए बहुत दिया, सुने में काफी सारे एग्जाम्पल्स है बाइबल में है, पढ़ सकते हो। तो एक एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल है, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा को हमारे लिए दे दिया है, ओनली वन फर्स्ट एंड बेस्ट, और कोई नहीं, उसी को हम लोग के लिए दे दिया है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं मेरे जान देने के लिए आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा लेने के लिए नहीं है, सेवा देने के लिए आया हूँ। तो देने के बात कर रहे थे, कोई भी नहीं बोला सेवा देना चाहिए। दूसरे के लिए कुछ आप सेवा कर सकते हैं। तो देने के लिए दुनिया में कम लोग होते हैं, लेने के लिए बड़ी लंबी लाइन लगेगी। अभी 1000 रुपया मिल जाएगा बैंक में और बोर्ड लग जाएगा ना, पूरा इच्छापुर जाके लंबी लाइन लग जाएगी। और अगर ऐसा लिखे जाएगा भाई कोरोना वायरस के लिए चीन देश को थोड़ा भेजना है, सब लोग आके अपना अपना 1000 रुपया दे के जाइए, उस लाइन में एक आध बेवकूफ लोग बेवकूफ सोचेंगे, बेवकूफ नहीं है,
कोई लोग ज्ञानवान लोग वहीं जाके खड़े रहेंगे, उनको भी दूसरा लोग देख बेवकूफ देखो दे रहा है, सब तो दूसरा लोग खाने वाला है बेकार वहां जाके दे रहा है। देने के विषय में हम लोगों को दिल में बड़ा बदलावट, मन में बड़ी बदलावट आना चाहिए। हम लोग सभी का दिल में बड़ा बदलावट आने का जरूरी है। लेते लेते हम आदत बन गए हैं। अभी और क्या दे सकते हैं दूसरों के लिए? एनकरेजिंग वर्ड्स। देखो अच्छे शब्द बोलने के लिए भी सीखना पड़ेगा। देखो एनकरेज करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, डिस्करेज करने के लिए काफी लोग रहेंगे। कभी कभी लोग हॉस्पिटल विजिटिंग मरीज लोग जाएंगे, बेचारा मरीज है उसका सर्जरी होने वाला है, अभी उसके लिए पूरा ट्रीटमेंट चालू है, कोई लोग दो तीन लोग बहुत प्यारे लोग मिलने आ गए हैं। अरे साहब आपको क्या हो गया, कितना बढ़िया था आप, ऐसे हालत हो गई आपका, आप मर जाएंगे क्या? और फिर कहानी शुरू करेंगे, भैया मालूम है मेरा अंकल ऐसा था, उनको भी ऐसे ही सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ने बोला था। क्या हो गया मालूम है? सर्जरी में आदमी मरे गए। फिर भी ध्यान से आप देख लीजिए, ऑपरेशन तो डॉक्टर करेगा, क्या कर सकते। देखो ऐसे शब्द शैतानी शब्द होते, लोगों को पता नहीं होता। एक बार मैं हॉस्पिटल में था, 15 दिन बीमार, 10-12 दिन कुछ ऐसे बीमारी आते रहा मेरे, डायरिया मालूम फीवर कैसे करके मिले गए, मलेरिया था बोले, तो कुछ लोग मेरे को मिलने आए थे, कुछ लोग आए थे, तो एक बहन आए थे, पास्टर जी ऐसा हो गया आपका, ऐसे ऐसे कहानी बोल के फिर चले गए। मैं सोचा एक प्रार्थना करेगी अच्छा रहेगा, प्रार्थना भी नहीं की, कुछ नहीं, ऐसे चले गए। दूसरा लोग आए ऐसे पूछताछ करके चले गए, आया तो अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आना चाहिए, आके चले गए, अच्छा है, लेकिन प्रार्थना नहीं किया। मैं तड़प रहा था कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो कितना अच्छा रहेगा। मालूम है जितने भी प्रार्थना करने वाले होंगे, जितने भी वचन जानकारी करने वाले होंगे, उनका प्रॉब्लम का समय में मालूम है उनको प्रार्थना करने के लिए वचन याद करने के लिए वो कमजोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उसको उस समय में याद नहीं आता है। तो मैं ऐसे ही एक परिस्थिति में था, आखिर में एक भाई आया था, वो आके मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरा दिल आनंदित हो गया, एक आध दिन में मैं डिस्चार्ज होके घर आ गया। देखिए ये सब हमें सीखना पड़ता है, लोगों को एनकरेज करना है। भले हमारा अंदर कोई डिस्करेजमेंट है, अगर हम उदास में है, हमको चिंता में है, फिर भी उसको पीछे रखो, दूसरे लोगों को एनकरेज करो। तो इस सेवकाई में करीबन जितने साल 97 से हम कर रहे हैं, हमारा अनुभव ये है, कभी कभी हम जाना नहीं चाहते हैं, जाने के लिए मन नहीं लगता। आज भी मैं सोच रहा था थोड़ा थोड़ा आराम कर लूं, अगला हफ्ते से जाने लगूं, आंटी ने बोला नहीं आज चल जाते। तो देखो ये तो शारीरिक कमजोरी के कारण, कभी कभी मन कमजोर होते हैं, निराश होते हैं, उसके कारण काफी कभी कुछ समय में हम लोग ऐसे निराश हो जाते थे, बात में देख लेते आज चोट देते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमें हमें आगे बढ़ा देते हैं। जब हम जाके दूसरों को उत्साहित करने लगते हैं, उसी में हमको भी प्रभु उठा लेते हैं। ब्रदर मुझे उत्साहित कीजिए, ब्रदर ब्रदर मुझे उत्साहित कीजिए, ऐसे जो बोलने वाले हैं छोटे बच्चों लोग हैं, उनका हम लोग कंधे पे लेके जिंदगी भर हम चलते रहना पड़ेगा। उसके जगह में क्या करना चाहिए, आप जाके एक दो व्यक्ति को उत्साहित करना चाहिए। ये देंगे क्या, ये देने के लिए पैसा लगता है? पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। भले लगेगा कमजोर लगेगा, मन उदास लगेगा, कभी कभी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी, फिर सोचे कि चलो प्रभु का इच्छा होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पवित्र आत्मा क्या बोलेगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या बात है, ऑटो लेके चला जा, है कि नहीं, इमरजेंसी तो हम जाएंगे कि नहीं, जरूर जाएंगे ना। तो देखो प्रभु के लिए देना मतलब प्रभु जो भी चाहते हैं वो हमें करना है। नॉर्मली जो आदमी उदास में है, नीचे गिरे हुए हैं,
उनको लोग गलती पकड़ने के लिए लोग आएंगे। मालूम है बाइबल में एक व्यक्ति था, उसका नाम अय्यूब। पढ़ा है आप लोग अय्यूब का? अय्यूब एक किताब है, पूरा बाइबल के पुराना किताब है, एक धार्मिक व्यक्ति है। उसके जीवन में बहुत सतावनी हुई, काफी सारे समस्या आया, पढ़ेंगे तो बेहोश हो जाओगे, इतना सारा प्रॉब्लम उसके जीवन में आया है। आखिर में बीमारी भी आ गया और पत्नी भी आ गई श्राप देने के लिए, बोलते हैं गाली दे के प्रभु को मर जाओ, वो भी ऐसा मत मरो, प्रभु को गाली दे के तुम मर जाओ। कौन बोल रहे हैं? हाँ, उसका प्यारे पत्नी बीवी बोल रही है। तो बाद में उसके प्यारा दोस्त लोग आए थे, तीन लोग आए थे, तीनों लोग आके क्या बोला, एक हफ्ता चुपचाप बैठ गए। वो तो बहुत अच्छा काम किए वो लोग, कम से कम मुंह बंद करके रखो, कम से कम तो हानि तो नहीं पहुंचाओगे, एनकरेज भी नहीं करोगे, डिस्करेज भी नहीं करोगे। एक हफ्ता के बाद शुरू कर दिए। अय्यूब भी बता रहा था, मेरा श्राप, मैं जन्म दिव्य श्रापित हो जाए, मैं जय नहीं जन्म होता, अच्छा है परमेश्वर मुझे ऐसे सताया, ऐसे ऐसे। अय्यूब का भी जितना ज्ञान है उसके हिसाब से वो भी बातें कर रहा था। ये लोग ध्यान से उसके शब्दों को सुन लिया, फिर ये लोग जांच करने लगे। वो लोग जांच कर रहे, अपना एक्सरे लगा के देख रहे अय्यूब का। अभी उसको परमेश्वर ने भेजा है एनकरेज करने के लिए, लेकिन ये लोग जाकर के एग्जामिन कर रहे हैं। वो लोग वही चीज को ढूंढ रहे हैं। क्यों? कभी कभी क्या है, रीजन मत ढूंढना। देखो, हर समस्या के लिए आपको कारण शायद पता भी नहीं चलेगा इस दुनिया में। अभी तक मुझे भी मालूम नहीं अय्यूब को क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया, अय्यूब को भी मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, लेकिन एक मालूम है, परमेश्वर जरूर बाहर लाने वाला है। तो ये लोग रीजन ढूंढने लगे, उसके चक्कर में वो लोग अय्यूब को भी दोष लगाने लगे। देखिए, हम सब लोग बड़े ज्ञानवान नहीं है। इस दुनिया में जो जो समस्या हो रहे है सबका कारण हमको मालूम नहीं है। कभी कभी धर्मी लोगों के प्रॉब्लम आएगा, दुष्ट लोग आराम से जिंदगी बिताते होंगे। ये दुनिया की बातें है, इसका कारण हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक ही चीज हमें मालूम है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर सच्चा है। आपका जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, उसके लिए कारण आपको मालूम है नहीं भी है, एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर के पास सॉल्यूशन है। अय्यूब के प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन परमेश्वर के पास था। तीन लोगों से वो सॉल्यूशन अय्यूब के पास वो लोग पहुंचा नहीं पाया है, लेकिन आखिर में एक जवान व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अय्यूब से बात किया है, उस समस्या को हल निकल गया है, अय्यूब का दो गुना प्रतिफल मिल गया है। उसके पहले अय्यूब को एक काम करना पड़ता था, जो लोग तीन लोग उसको दोष लगा रहे थे उनके लिए अय्यूब को एक चीज देना पड़ता था। क्या देना था? उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता। प्रार्थना आप दोगे और आपका दुश्मन लोगों के लिए जो आपको दोष लगा रहे थे, आपके ऊपर केस डाल रहे थे, तो जब ऐसा अय्यूब ने प्रार्थना किया तो अय्यूब का समस्या हल निकल गया है। यही मैंने बोला, जब हम डिस्करेजमेंट में है, दूसरों को जब हम एनकरेजमेंट करने लगते है, परमेश्वर का एनकरेजमेंट हमारा अंदर घुस जाता है। पाइपलाइन यहाँ पर एक वाल लगा हुआ है, मैंने वाल खोल दिया है, यहाँ से पानी निकल गए, लेकिन ऊपर से पानी आके वापस भर गए। परमेश्वर की ओर से पानी आया, मुझे वापस भर दिया। जब हम एनकरेज करने लगते हैं, परमेश्वर हमें एनकरेज कर लेते हैं। यही तो यीशु मसीह बोल रहे थे, मेरे ऊपर विश्वास करने वाले हैं, उनके अंदर से कुआ रहेगा, ऐसा बोला है। हाँ, क्या लिखा है? नदियां निकल आएगा, मतलब वो जाते रहेगा, आते रहेगा। जब आते रहेगा, जाते रहेगा, वो पानी कैसा रहेगा? साफ ताजा रहेगा। मेरे पास पानी है, मेरे पास बहुत विश्वास है, मेरे को बहुत वचन मालूम है, अपना पूरा क्वारंटीन करके रख देंगे, क्या हो जाएगा? पानी बहेगा, ऐसे सड़ने लगते हैं। तो मसीही जीवन एक देने वाला जीवन है। परमेश्वर अपने बेटे को दिया है, यीशु मसीह अपने आप को दिया है, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर दान वरदान को दे रहा है। परमेश्वर की आत्मा हर तरह के काम हमारे जीवन में करता है। हमारा द्वारा लोगों को उठाना चाहते हैं, हमारा द्वारा लोगों को मदद करना चाहते हैं, हमारा द्वारा प्रेम को देना चाहते हैं।
कोई भी नहीं बोला है दूसरों को क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसा प्रेम देना है। ये ईश्वर का प्रेम में स्वार्थीपन नहीं है। कभी कभी कलीसिया में भी हमारा प्रेम में हम जांचना चाहिए, हमारा प्रेम स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए। कोई कोई कलीसिया में मुझे मालूम है, मेरे को अनुभव है, उस कलीसिया में लोग जाते हैं वो लोग बहुत प्रेम से उनको स्वीकार करेंगे। जब वो उनकी कलीसिया से निकल जाएंगे तो जितना प्रेम किया उतना बाहर भाव करने लगेंगे। तो हमारा कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई हम जिसको भी हम देखो प्रेम देना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, चंगाई देना चाहिए, वचन देना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, जरूर उनको कलीसिया में बुलाना चाहिए। लेकिन ये सोच के नहीं भाई कलीसिया में आ जाएंगे इसके लिए मैं प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं। हमारा प्रेम बिल्कुल बिना एनी कंडीशन, भले कलीसिया में आए नहीं भी आए, मेरे सामने ये आत्मा आया है, मैं उनको मददगार बनना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह लोगों को चंगाई कर रहे थे, कितने लोगों को चंगा किया? सबको चंगा किया। लेकिन उसके पीछे कितने लोग गए थे? कहते उस समय में 700-800 करीबन, इसे इतना ही लोग उसके फॉलोअर्स थे, उसमें 120 थे, 12 थे, 3 थे, तो 700-800 लोग, बाकी कितने सारे लोग हैं, भले आया नहीं फिर भी उनको चंगाई करके उसने भेज दिया है। तो यही हमारे लिए उदाहरण है। तो एक मेन वचन है बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपना जान को खोएगा वो उसको बचाएगा, जो अपना जान बचाना चाहेगा वो जान को खोएगा। देखो हमारा जान बचाना मतलब क्या है, हम परमेश्वर के हाथ में दे दो आपका जान जरूर बच जाएगा। 100% प्रभु को दे दो, प्रभु के लिए कोने वाला कोई भी कंगाल कभी नहीं बनेगा। देने का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो परमेश्वर हम लोगों को ज्ञान दे। अभी एक आध बात मैंने यहाँ पर बताया है, काफी चीज मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है। बाइबल में काफी वचन है देने के बारे में। परमेश्वर का आत्मा हमको मदद करें। हम यीशु ने कहा लेने से देना उत्तम है, धन्य है। तो ऐसे वचन प्रेरित 20 में लिखा हुआ है, ऐसे बातों को हम सीखे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। आप अपना जीवन को हमारे लिए, पिता अपना पुत्र को हमारे लिए दिया, यीशु मसीह आप अपना जीवन को हमारे लिए दिया प्रभु। आप देखकर हमारे ऊपर प्रेम किया, जब हम आपके लिए शत्रु थे आप हमें ढूंढ के आया, हम खोए हुए थे, एक अच्छा चरवाहा बनकर हमें प्रभु ढूंढ कर आए। अच्छा चरवाहा अपना भेड़ों के लिए जान भी देता करके प्रभु आप हमारे लिए एक उदाहरण बना प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब्राहम जैसे हम भी अपना जीवन में सब कुछ आपका हाथ में देने के लिए हमें मदद कर। हालेलुया, जो भी आपका हाथ में आता है वो सुरक्षित रहता है प्रभु। आप उसको हालेलुया आशीष करके उसको बढ़ाते हैं, बढ़ा के हमें वापस देते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, आप कौन है करके हम जान कर आपके लिए देने के लिए हमें मदद कीजिए। अपना जीवन पूरा, एक एक दिन, हमारा समय, हमारा खूबियत, हमारा पैसा, हमारे बच्चे लोग, हमारा जो भी आपने दिया है सब कुछ पूरा पूरा आपका हाथ में समर्पण करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। जैसे अन्ना जैसे शमूएल को आपके लिए दिया, उसको अब आशीष करके पूरा देश के लिए आप प्रभु आशीष का कारण बना प्रभु, एक अच्छा भविष्योद्यवक्ता बनाकर प्रभु हमें भी आज भी उसके द्वारा आशीष वचन के द्वारा मिलने के लिए प्रभु आप सहायता किया। इसे हम भी हम स्वार्थी न रहे। हालेलुया प्रभु, आपके लिए सेवकाई करने के लिए मैं मदद कर। जो भी हमसे हो सकता है अपना अपना सेवकाई को पूरा करने के लिए प्रभु, अपना अपना भाग को पूरा करने के लिए कलीसिया हमारे को प्रभु आप मदद कीजिए। हम स्वार्थी न बने, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए दौड़ के आए, या प्रभु पैसा देने के लिए प्रभु आगे आए, और हमारा समय देने के लिए आए, प्रेम देने के लिए आए, अच्छे अच्छे शब्द दूसरों को बोलकर दूसरों को उठाने के लिए प्रभु हमें मदद कीजिए। हालेलुया धन्यवाद प्रभु, आप इस संदेश को आशीष करके दिया। हम विश्वास करते हैं जो हम सीखा है उसको हमारे जीवन में जब भी परिस्थिति आता है
उसको पालन करने के लिए पवित्र आत्मा में सामर्थ दीजिए और आपका अनुग्रह से हमें भर दीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता। आमेन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे। आमेन।